नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 21 अक्टूबर 2023 वेंसडे एंड आई विल होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं चार्ट में कि करेंसीज में क्या क्या चेंजेस आया है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेनली द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स कल हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला, कल के दिन में एक बाउंस बैक किया फ्रॉम 105.40 लेवल्स टू 106.30 लेवल्स। एक बाउंस पे किया। अभी इसको अगर सॉफ्ट होना है तो कल के जो कैंडल बना है इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इंतजार था 11 और 12 अक्टूबर का लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज। आपका मंडे को जस्ट वहीं पे आके क्लोज दिया था इस लेवल पे एंड कल के दिन ट्यूजडे को आपका बाउंस पे कंटिन्यू नहीं हुआ। दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज एक्टिविटीज चल रहा है एंड जब तक ये कल का दैट मीन 24 अक्टूबर के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक यहाँ पे सॉफ्टनेस हम देख नहीं सकते। और इन द मीन टाइम ये जो आपका 13 अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है देन अगेन इट विल ट्राई टू टेस्ट द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल व्हिच इज एट 107.30 से 108.00। डॉलर रुपी अभी है आपका 83.10 लेवल्स में। साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है। वी नीड टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। जब तक इस रेंज पे रहेगा ज्यादा कुछ मूवमेंट हम कर नहीं सकते। और अभी जीबीपी डॉलर पे आते हैं। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। ऑलमोस्ट मोर देन 80% प्रीवियस डे का जो प्राइस सेक्शन है उसको एनगल्फ कर चुका है। सो इट्स अगेन ए कंसर्न। कंसर्न यहाँ पे अगर ये कल के दिन फॉलो थ्रू देता, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देता एंड 11 और 12 के ऊपर क्लोज भी देता तो यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशंस होता जो यहाँ पे वंस अगेन निगेट कर चुका है। सो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। जब तक आपका 11 और 12 अक्टूबर का हाई को नहीं तोड़ता है ऊपर की तरफ या आपका 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर का लो को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक साइडवाइज बहुत साइड चॉपिंग मूवमेंट एक्सपेक्ट। जीबीपी आईएनएन में भी सिमिलरली ये सेम एनालिसिस 11 और 12 के हाई को जब तक नहीं तोड़ता है ऊपर की तरफ या 3 और 4 अक्टूबर के लो के नीचे नहीं जाता है तब तक ये साइडवाइज कंसोलिडेशन में रहने का एक्सपेक्टेशन है। यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में डे बिफोर यस्टरडे एक अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देखा था लेकिन कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल गया है जो एंटायर बॉडी ऑफ मंडे को एनगल्फ कर चुका है। नीचे की तरफ थोड़ा सा टेल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर नहीं पाया। अभी ये जो कल का रेंज वो इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट रेंज कारण इसके हाई के ऊपर ही हम इसमें पॉजिटिविटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके हाई के ऊपर अगर प्राइस चलता है सो प्राइस विल मीन्स कंटिन्यू मेकिंग हायर हाई हायर। अभी हमें नेक्स्ट इंतजार रहेगा 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये आपका ये 13 अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज दे देता है तो यहाँ पे जो एक प्राइस सेक्शंस बनाया था हायर हाई हायर वो निगेट कर जाएगा। अभी यूरो आईएनआर पे भी सिमिलर एनालिसिस है। ये जो कल का हाई है इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है इन सच केस पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एल्स वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। डॉलर येन साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 150 के आसपास आके रुका हुआ है। प्राइस एक्शंस कंफर्म नहीं कर रहा है सेलिंग के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जेपीवाई आईएनआर पे भी बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कंफर्मेशन से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं आ रहे। डॉलर कैंडल 1.3743 ये दोबारा 1.38 की तरफ मूव कर रहा है। सो यहाँ पे ऑन द लोअर साइड 1.3550 एंड 1.38 इस रेंज में ही एज ऑफ नाउ रहना चाहिए। एक बार वन साइड ब्रेक कर देता है आइदर साइड ब्रेक कर देता है उसके बाद हम कुछ प्राइस मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ ऑसी डॉलर जो है थर्ड टाइम फर्स्ट ब्रेकडाउन के बाद ऊपर जा रहा है। There are higher possibilities. Once again, that means the third trend, it is expected that it may move towards 0.65, 0.6525.
ओनली कंडीशन इज दैट ये जो ट्रिपल बॉटम बनाया है इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। इसके नीचे क्लोज देगा तो अनदर 2 से 3 वीक का डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच 7.31 प्राइस कंसोलिडेशन जारी है। एंड ब्रेंट क्रूड में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखे हैं, परसों भी देखे हैं, कल भी देखे हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअली एक एम पैटर्न का इंतजार था, लेकिन एम पैटर्न का प्रोविजनिंग नहीं दिया सैली के लिए, रेदर बैक टू बैक दो स्ट्रॉन्ग कैंडल दे चुका। तो अभी हमें प्राइस एक्शंस देखना है, मींस थोड़ा सा अपटिक में सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज के लिए। यूएस 10 रिजन परसों के दिन जब 5.02 हाई ट्रेड किया था, एक की रिवर्सल कैंडल, चेयर कैंडल बनाया हुआ है, कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया, ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है। अभी आज के दिन में अगर एक छोटा बॉडी कैंडल बनाते, ग्रीन कैंडल बनाते हैं, सपोज ये आज के दिन के एंड में ऐसा एक कैंडल बनता है, इसके लो के नीचे टू एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 5.064, यहाँ पे कल का जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, इसके लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। ऑल्सो दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। वंस मोर द समरी, कल का कैंडल डॉलर इंडेक्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अगर सॉफ्ट होना है तो कल के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देना पड़ेगा। जीबीपी को अगर ऊपर जाना है कि तो कल का जो हाई है उसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। यूरो डॉलर का जो है कल के, इसको अगर ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। इन सच ए केस ओनली वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूवमेंट। डॉलर येन में जब तक कुछ प्राइस एक्शन नहीं होता है, मार्केट इज वेटिंग फॉर द सेलिंग, लेकिन सेलिंग हो नहीं रहा है, हमें और भी इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर रुपी साइडवाइज है, साइडवाइज रहने देते हैं जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।